हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल में नौकरी के बारे में बताता हूँ, नए नए वैकेंसियाँ, नए नए कंपनी, नए नए अपॉर्चुनिटी, नई नई जॉब के बारे में बताता हूँ। जो हमारे भाई फ्रेशर हैं, अगर उनको कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए जो कंपनी की वीडियो आएगी वो आपको पता चलता रहेगा कि किस कंपनी में हायरिंग है, किस कंपनी में हायरिंग नहीं है। मैं हर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, लोकेशन सब कुछ बताता हूँ। सैलरी कितना मिलेगा, किस किस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, सब कुछ अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। यकीन मानिए, हमारे वीडियो के माध्यम से रोज़ाना 100 से 150 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप सभी के काम आ रहा हूँ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर सच में आपको भी जॉब नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमारे वीडियो से आप लोग पूरा देखें, स्किप मत करें, क्योंकि मैं पर डे रेगुलर बेस पे हायरिंग की वीडियो लाता रहता हूँ। आप सभी को पता है मैं जॉब के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। बिना करे बकवास वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज जो कंपनी निकल कर आई है ये टाटा मोटर्स करके कंपनी है, जो कि टाटा मोटर्स के लिए काम करती है। अगर हम लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन ये होने वाला है तकरीबन अहमदाबाद का लोकेशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद का ये लोकेशन होने वाला है। अगर हम बात करें इसमें कैंडिडेट रिक्वायरमेंट की, तो दोस्तों इसे 500 लड़कों की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, 500 लड़कों की ज़रूरत है। अगर आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहे हो, आप गए, आपको मना कर दिया गया, लेकिन मैं मना नहीं करूँगा। मैं हर एक बंदे को जॉब दिलाऊँगा जब तक मुझे मेरे अंदर शक्ति है। रियली बता रहा हूँ, जब तक मेरे अंदर शक्ति है काम करने की, मैं तब तक काम करता रहूँगा आप सभी के लिए और नौकरी दिलवाता रहूँगा। मेरे पास अभी बहुत सारी कंपनियों की JD एक बार फिर से आ चुकी है, और जो कि मैंने सोचा एक बार स्टार्ट करें, और जो स्टार्ट करें वो इसी कंपनी से, टाटा मोटर्स कंपनी। अगर बात करें इसे 500 लड़कों की ज़रूरत है अर्जेंट बेस पे। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंट बेस पे। और अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो टेंथ पास होना चाहिए, ITI पास, ठीक है। टेक्निकल ट्रेड ओनली, अगर टेक्निकल है आपका, ITI से टेक्निकल कर रखा हुआ है, ठीक है, टेक्निकल से ITI कर रखा है, तो ये आपके लिए जॉब है ही बिल्कुल बिल्कुल। आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई पैसा, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। अगर हम बात करें इसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस है तो सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की जो सैलरी है मैं आपको बता दूँ, 16,623 है, जो कि CTC है, इन हैंड है, 14,607 रुपये। ये 8 घंटे की सैलरी हम बता रहे हैं आपको। अगर हम बात करें इसमें इंटरव्यू का क्या टाइमिंग है, इंटरव्यू देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें अभी तकरीबन 4 से 5 दिन और हायरिंग चलेगी, उसके बाद ये महीना हम मान सकते हैं कि 28 तक ही होगी, उसके बाद फिर से क्लोज़ हो जाएगी। क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमेशा भर्ती नहीं रहती, कभी कभी चलती है, और जब चलती है तो यहाँ पे लोगों की कागार लग जाती है। जैसे जिस तरीके से ओप्पो, वीवो और एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाती है ना, उसी तरीके से यहाँ भी लग जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कंपनी में काम करके जो निकलता है उनको एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाता है, ये सबसे अच्छी और सबसे प्लस पॉइंट लगी। तो इसमें मैं आपको बता दूँ एज क्राइटेरिया इसमें क्या होने वाला है, 18 से 28। जी हाँ दोस्तों, 18 से 28, ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बेटर देन है, आप एज का कोई इशू नहीं है। अगर आपसे 45 भी है, 40 है, जब भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपकी एज 24 साल है, 25 साल है, क्योंकि यार देखो 20 से 22 साल, 23 साल तो ऐसे पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, 2 साल काम ढूंढते ढूंढते निकल जाते हैं, मतलब 30 साल यूँ ही नॉर्मली बीत जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नॉर्मली ना निकल जाए, क्योंकि कंपनी 30 साल के बाद कंपनी हायर नहीं करती, कंसीडर नहीं करती। क्या 30 साल के बंदे काम नहीं करते हैं? क्या वो नौजवान नहीं होते, यंग नहीं होते? बताओ कंपनियाँ क्या पॉलिसी है कि 30 साल के ऊपर के बंदों को लेंगे नहीं? नोएडा में बहुत सारी कंपनियाँ भाई साहब, 70% ऐसी कंपनी है, 70 से 80%, जो कि 30 से ज़्यादा एज के बंदे को लेते ही नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस आपके अंदर है, आपने काम कर रखा है तो आपको हायर कर लेंगे, अदरवाइज आप फ्रेशर है तो फ्रेशर बंदों को नहीं हायर करते। देखो मैं इसमें बता दूँ, इसमें 18 से 28 एज होने वाला है। अगर हम सैलरी की अगर बात करें, 8 घंटे की सैलरी जो निकल कर आई CTC 16,623 रुपये, 8 घंटे ड्यूटी रहेगा। शिफ्टिंग की हम बात करें तो ABC इसमें शिफ्टिंग रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो PA BSI भी कटेगा। PA BSI काटने के बाद जो इन हैंड आपको मिलेगा वो मिलेगा 14,607 रुपये। अगर आप OT की बात करें तो OT 135 रुपये पर घंटे के हिसाब से है। कैंटीन बस इसमें फ्री है, कैंटीन का कोई पैसा नहीं, बस का कोई भी पैसा इसमें नहीं है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासवर्ड और अपना फ़ोटोज़, ठीक है। फिर आपने जो पढ़ाई कर रखा है वो लेके जाना आप,
और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। श्योर है कि आपको जॉब मिलेगा। ये जॉब बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा कोई चार्ज आपको नहीं देना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं अहमदाबाद की सारी वीडियो बनाता हूँ इसमें यह है कि इसमें कैंटीन की भी सुविधा है, बस की भी सुविधा है, दोनों फ्री है। और दूसरी बात यह है कि इसमें रूम है ना, रूम की भी सुविधा है। रूम के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, रूम आपका इंतज़ार खुद कर रहा है। आप रूम नहीं ढूंढोगे, नोएडा के अंदर क्या है, बाकी शहरों में क्या है कि रूम हमें ढूंढना पड़ता है, पर यहाँ पे रूम ऑलरेडी है। ठीक है, रूम यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ आपको जाना है और रहना है। रूम का जो है वो 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपसे काटी चाहिए। ठीक है, आप ज्वाइनिंग के बाद दे दो वहाँ पे। ऐसा इशू नहीं कि आपको पहले पहुँचने के बाद फिर पैसे देने, नहीं, आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब सेम डे ज्वाइनिंग हो जाता है, जब ज्वाइनिंग हो जाए तो उसके बाद आप पैसे दे दो रूम का। अगर नहीं देना चाहते तो घर आ जाओ, क्योंकि भाई साहब बिना पैसे के तो कोई अपने रूम में रखेगा नहीं। एक बार ध्यान रखो, आप ये सोचो कंपनी रहने को भी दे, खाने को दे, सर चीज सारी फैसिलिटी दे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसमें टाटा मोटर्स कंपनी का नाम है, 10th प्लस ITI वालों की इसमें ज़रूरत है, जो 10th कर रखा हो प्लस ITI भी कर रखा हुआ उनकी इसमें रिक्वायर्ड है। कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस मांग रहा है, फ्रेशर हैं तो वो भी चल जाएँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। एज क्राइटेरिया 18 से 28 है। ठीक है, कैंटीन बस फ्री है इसमें। सैलरी की बात करें, CTC सैलरी 16,623 रुपये है। अगर हम बात करें इन हैंड की, तो इन हैंड आपको मिलने वाला है 14,607 रुपये, 135 रुपये पर घंटे OT आपको मिलेगा। ठीक है, 135 रुपये कम नहीं होते, अगर 2 घंटे भी चल गए ना भाई तो सोचो, अगर 1 घंटे के हिसाब से हम मान ले तो 3 से 3,500 रुपये हमारा ऐसे ही बन जा रहा है। अगर 1 घंटे पर डे की, 1 घंटे तो ये नॉर्मली बीत जाता है, अगर 1 घंटे चल रहे हैं तो 135 रुपये, अब आप जोड़ लो 3.5 से 4,000 महीने तो ऐसे आ गए हमारे, तो काफ़ी अच्छा आप इसमें इनकम कर सकते हो। अगर आप भी इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 से 12,000 रुपये में काम नहीं करना चाहिए। देखो मैं शुरू से कहता हूँ, अभी ही कह रहा हूँ कि पहले आप ठानो कि आपको करना क्या है। मैं ये नहीं कह रहा आप 1 महीने के लिए आओ, आप 2 दिन के लिए आओ, 4 दिन के लिए आओ, घूम के जाओ, पैसे वेस्ट करके जाओ, ऐसा नहीं। पहले आप अपना माइंड सेट करो कि आपको करना क्या है, किस कंपनी में काम करना है, उसके बाद आपको लाइफ में क्या करना है। क्योंकि देखो यार, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा, जितना ज़्यादा आपने कंपनियों में काम किए रहेंगे आप, उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये लिख के ले लो, पेपर उठाओ, लिख के ले लो कि सरार भाई ने ये बात कही थी, और ये जेन्युइन बात है, रियल बात है। हर कंपनी को एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, फ्रेशर बंदा नहीं चलेगा। फ्रेशर बंदा चाहिए तो सैलरी कम रहेगी। और कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो कहते हैं सर हमें नोएडा के अंदर सैलरी बहुत कम मिलती है, तो बड़े भाई हम गवर्नमेंट से ऊपर नहीं जा सकते, जो गवर्नमेंट का बेस है उस बेसिस पे ही कंपनी सैलरी देती है। ये हम कंपनी से नहीं कह सकते, ये हम गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि इसने कम सैलरी क्यों है। गवर्नमेंट ने जो इशू किया है कंपनी को, वही तो दे रही है वो, है ना। ऐसा तो नहीं वो अपने मन से दे रही है, खुद से दे रही है, जो गवर्नमेंट का बेसिस है उसी बेसिस पे ही वो दे रही है कि 10th 12th वालों का ये होगा, ITI वालों का ये होगा, डिप्लोमा वालों का ये होगा, ऐसे से करके प्रोसेस चलता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से खुद से दे रही है। तो बड़ा मेहरबानी, जो हमारे भाई इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, नोएडा दिल्ली में आ चुके हैं तो वो आ सकते हैं, आराम से जॉब मिलेगा। अदरवाइज जो हमारे भाई अहमदाबाद में है, अहमदाबाद के साइड काम करना चाहते हैं, वो भी आ जाएँ। अहमदाबाद में बहुत सारी कंपनी है भाई, रहने की भी सुविधा आपको मिल जा रही है। सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी, वहाँ पर फ्लैट होता है, मतलब 2 BHK या 1 BHK का फ्लैट होता है करके कुछ ऐसे है। उसमें क्या होता है कि उसमें कैंडिडेट कम से कम 4 से 5 रहते हैं आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से, बेड वगैरह भी, गद्दे वगैरह भी लगे रहते हैं, मतलब एक VIP तरीके से। भाई साहब फोटोज़ मैं आपको लगा दूंगा वीडियो पे, आप देख सकते हैं कितना VIP तरीके से वहाँ पे रूम अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई सरार को सपोर्ट करना। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, उतनी अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए आता रहूँगा। अगर आपको भी टाटा मोटर्स में काम करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया भाई साहब का, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। आप जाओगे तो श्योर आपको जॉब मिल जाएगी। एक बार आई रिपीट कि आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जॉब, सिर्फ रूम का लगता है, रूम का आपको देना है, अदरवाइज़ कुछ भी पैसा नहीं देना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नई नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल। नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।